हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और खुशहाल होंगे। तो गाइस, आज हम अपने गांव जा रहे हैं। आज तारीख होगी 9 और अभी हम सड़क में बैठे हैं, बस का वेट कर रहे हैं और काफ़ी दूर से नीचे से आज पैदल चल के आए। अभी सांस चढ़ रही है मेरी, तो ये राजीव साथ में खड़ा हुआ हुआ मेरे यहाँ पे, और इतने सारे बैग पैक किए हुए हमने। और मौसम का तो कुछ नहीं, यहाँ पे धुंध ही धुंध हुई हुई, धूप तो आई हुई हल्की हल्की धूप, और चारों तरफ धुंध ही धुंध है चारों तरफ को। और यहाँ पे गाड़ियाँ ऐसी ऐसी बार बार चलती रहती है, बहुत ट्रैफिक होता है, हम कई बार सड़क भी क्रॉस नहीं कर पाते। ओके, मैं इसको पूछने के साथ सोरन तक छोड़ेगा। बोला गाइस, ये मना कर रहा है, फोटो में भी वीडियो बना रही है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मास्क निकाल दें। ये इसको बोलो कि ये मास्क निकाल के रखे, इसके वजह से शरीर में चले जाएंगे। डॉक्टर ने भी एक बार बोली थी, पर ये हटता ही नहीं है, बार बार लगाता ही रहता है। खुश हो गया गाँव जाने के लिए? है कुछ नहीं है, क्यों यहाँ अच्छा लगता? इसको यही अच्छा लगता है, कमरे में बैठ के गेम खेलते रहना, और वहाँ तो 36 काम करने पड़ेंगे। 36 क्या, हमारे जो कुछ बोलेंगे ये काम कर दे, ये काम कर दे, कौन सा काम? दुकान जाने के लिए या कुछ भी, ठीक है? हैं, गुस्सा हो रहा, एक बार दिखा दे। हेलो गाइस, पहुँच चुकी हूँ अपने मम्मी के घर में, और अभी हम जा रहे हैं फंक्शन में, और राजीव अभी अंदर है और मेरी मम्मी भी तैयार हो रहे हैं, और बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ काफ़ी ठंड है। तो अभी आपको मैं बाहर जाकर बताती हूँ अभी कैसा यहाँ का व्यू है, और वहाँ फंक्शन में भी बताऊँगी अगर थोड़ा हुआ, अगर वहाँ पर बनाऊँगी लोग तो आपके साथ शेयर करूंगी। कौन सी मूवी देख रहा है? कौन सी मूवी देख रहा है? गाइस, अब हम चल पड़े अपने घर से, और ऐसे मजाक कर रहे थे, हम फोन कर रहे थे, और हमारे इस तरफ हाईवे रोड बन रहा है। वैसे तो सिंगल ही है, पर हमारे लिए तो हाईवे रोड है, क्योंकि जब से हमने सड़क देखी तो इतनी देखी। और आपके टाइम में कैसी सड़क होती है मम्मी? ये हमारे यहाँ पे सड़क बन रही है, और पहले नहीं होती थी ऐसे जब हम छोटे होते थे, तो आज से मेरे ख्याल 4 साल पहले जब मेरी मम्मी यहाँ शिफ्ट हुए थे, 45 साल पहले, मतलब जब यूनिवर्सिटी बनी थी नौणी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो उस टाइम कैसा रास्ता होता है यहाँ पे? गाड़ियाँ चलती थी मम्मी? गाड़ी कहाँ चलती थी, पैदल चलते थे। पैदल? तो जब कहीं जाना तो उसका साधन क्या होता था? पैदल जाना, साधन कुछ नहीं था। तो जैसे मान लो आप नानी के पास जाते थे सोलन के लिए, पैदल जाते थे यहाँ से काला घाट से ऊंच घाट में मिलती थी बस, 1 रुपया लगता था सोलन का, 1 रुपया लगता था, 10 किलोमीटर का 1 रुपया है, और एक सरकारी बस चलती थी, 1-2 बस। अच्छा, हमारे जमाने में तो यहाँ से घर बहुत दूर है, यानी कि 25-26 किलोमीटर दूर है यहाँ से सड़क, तो पैदल जाते थे और पैदल आते थे, और कभी घोड़ा घाड़ा मिल जाता है? घोड़ा ना कुछ नहीं, घोड़ा घाड़ा कुछ नहीं, पैदल जाते थे, और बच्चे पीठ में बांधने हैं। ठंड लग रही मेरे को, तो शॉल ओढ़नी है मम्मी ने जल्दी। हाँ
इसमें लग गया, कीचड़ लग गया मेरे जूतों में। कोई सीन नहीं, लो पकड़ो आप। क्या गाइस, इसमें हमने वो हमारे गांव में जब कहीं फंक्शन होता है तो हमारे रिवाज होती है, कहीं मिठाई ले जाते हैं, कोई शक्कर ले जाते हैं, कोई वो चीनी ले जाते हैं। तो हम मिठाई लेके जा रहे हैं, उनके बेटा हुआ हुआ तो उन्होंने हमारे को इनवाइट किया हुआ। तो मेरे मासी जी लगते हो जिनके पोता हुआ हुआ तो उन्हें बुलाया हुआ, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और इनके पता नहीं क्यों ब्रेक लग गई पीछे। क्या हुआ पीछे तुम्हारे को? अब केले का पेड़ है, केले लगे हुए यहाँ पे। ये यहाँ पे जिसमें हम गाय बांधते हैं, ओबरा बोलते हैं इसको। और वहाँ फंक्शन है उस वाले घर में, वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे बकरियाँ भी है। और ये पाली साइड को गाओ, इसी घर से ये उन्ना में रहते हैं। जहाँ हम आए हुए मेरी मासी जी की लड़की है, इनकी भाभी की हुआ बच्चा। और यहाँ पे काफी सारे गेस्ट हैं और एक इनकी जो बहन है उनका बच्चा है छोटा सा। क्या नाम है आपका? गाइज राजीव बना रहा है यहाँ पे चपाती रोटी। और ये इसने इस पे डाल दी रोटी, चूल्हे पे बना रहा आज। पर इसको हंसी आ रही बहुत। काहे के हंसी आ रही है? काहे के हंसी आ रही? नजदीक बैठी रही थोड़ी मैं ना। जब तू बनाता रहे ना मैं चूल्हे भी छेड़ती रहूंगी। गाइस देखो राजीव ने बनाई रोटी और कितना अच्छा फुलका बनाया इसने। और ये देख रहा अच्छा लगा तेरे को हमारे पास आके हैं? गाइज आप बताना मेरे बेटे ने राजीव ने कैसी रोटी बनाई है। बस इसको मक्की की रोटी नहीं आती बनाने। और वहाँ भी ये चूल्हे में भी बदल रहा है रोटी। और देखना ऐसे इसने गोले बनाना कैसे, और ऐसे करके रख रहा है।
बच्चे को हर एक काम आना चाहिए। ये देखो कितने अच्छे अच्छे फुलके बना रहा है। मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ, वैसे तो खुद ही बना लेता है ये। गाइज ये मना कर रहा था कि वीडियो नहीं बनानी, और फिर बाद में मान गया कि बना दे मम्मी, चल कोई बात नहीं। इसकी सब तारीफ करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और अगर राजीव के फ्रेंड देख रहे हैं तो बच्चे देखो कितनी अच्छी राजीव रोटी बना रहा, तुम भी ऐसे बनाया करो, अपनी मम्मी की हेल्प किया करो, ठीक है। और खूब सारा प्यार इसको बच्चे को देना, ठीक है जी।